वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बिश फिटनेस। फ्रेंड्स, बहुत सारा लड़कों का ये कंप्लेन आता है कि इतना मेडिसिन लेता हूँ, इतना कुछ खाता हूँ, इतना कुछ प्रोटीन वे प्रोटीन ले रहा हूँ फ्रेंड्स, तो बॉडी नहीं लगता है उन लोगों का, साइज गेन नहीं होता मसल का। फ्रेंड्स, इस मैं वीडियो में आपको एक ऐसे मेडिसिन का नाम बताऊँगा जो आपको प्योर मसल मास पैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहे, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डेली नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स एक बटन निकल गया है टक, उसको भी दबाए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक पर, अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट मी टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ बहुत ही फाड़ू है फ्रेंड्स, कतरू बॉडी बनेगा आपका फ्रेंड्स। तो लल्लन टॉप बॉडी बनाइए, लड़की को पटाइए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, थोड़ा नॉन वेज हो गया फ्रेंड्स, तो चलता है फ्रेंड्स कभी कभी। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हमेशा अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब फ्रेंड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट्स। तो फ्रेंड्स, बट हम लोग अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आपका मल्टीविटामिन, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, D3 विटामिन, इनको हम लोग साइड पर रख देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं फ्रेंड्स। आप अगर किसी भी फॉरेन कोचेस को कुछ पढ़ेंगे आप कुछ ब्लॉग में, तो वो लोग अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सारे चीज़ स्टेरॉइड जो भी सप्लीमेंटेशन चल रहा है उसके साथ एक एंजाइम ज़रूर उन लोगों को बोलते हैं फ्रेंड्स, ताकि जो वो खाए वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो। सपोज़ मैंने बहुत लड़कों को बोला है, यार मैंने 40 ग्राम पर स्कूप प्रोटीन शेक लिया। फ्रेंड्स, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, डाइजेशन नहीं होता है, लेना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप बॉडी को पुश कर रहे हैं। आपका जो नेचुरल जो कैपेसिटी है 5 अंडे के लिए फ्रेंड्स, 20 अंडे के लिए नहीं है, 20 अंडे के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एंजाइम्स से अपने बॉडी को हेल्प करना पड़ेगा, ताकि वो सारा जो आप जितने भी प्रोटीन दे रहे हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सके, कार्ब को वो जो भी स्टार्च वगैरह में तोड़ सके। यहाँ पे आपका एंजाइम का रोल बहुत ही अहम होता है फ्रेंड्स। तो मैं एक एंजाइम दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैं हमेशा इसे बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये है यूनी एंजाइम फ्रेंड्स, मार्केट में 45 रुपीज से अवेलेबल है, आप ज़रूर खरीदें, कतरू रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि जो भी आप खा रहे हैं आपके बॉडी में लग रहा है, और 3-4 दिन में इसका इफेक्ट नज़र आने लगेगा आपको, और बॉडी में पंप नज़र आएगा अच्छा, और बॉडी जो साइज रिटेन किया है आफ्टर वर्कआउट वो गिरेगा नहीं फ्रेंड्स, वो बना के रखेगा फ्रेंड्स। और भी बहुत मेडिसिन आते हैं, डीजी एंजाइम वगैरह, और फ्रेंड्स बेवकूफ़ ना बने कभी भी। आप सप्लीमेंट हेल्थ कार्ट वगैरह में जाएंगे तो आपको मसल ब्लेज वगैरह का एंजाइम मिलेगा आपको 1000-1200 फ्रेंड्स, 45 रुपीज़ में मिल रहा है फ्रेंड्स। इट्स जस्ट अबाउट नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है यू कैन सेव योर मनी। जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो जब हम लोग मुंह पर लेते हैं तो वहाँ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। हमारा जो सलाइवा है वो टियालिन नाम का एंजाइम जो हम खाते हैं उस वक्त सीक्रेट करता है, उसके बाद वो हमारे लैरिंग्स में जाता है, उसके बाद वो हमारे ऑसोफेगस में होकर जाता है, और ऑसोफेगस का जो मूवमेंट होता है उसके ज़रिया वो स्टोमैक में जाता है। वहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक जूस और एसिड HCL निकलता है, और कुछ एंजाइम होते हैं वहाँ पर डाइजेशन होता है, उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर आपका गॉल ब्लडर से बाइल जूस निकलता है, और पैंक्रीज से पैंक्रियाटिक जूस और एंजाइम ये सब वहाँ पर एक्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो फेकल मटेरियल है वेस्ट वो निकल जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स है सारा वो आपके बॉडी में लगता है बाय लीवर एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपके बॉडी में इनफ एंजाइम नहीं है, तो जो आप प्रोटीन खा रहे हैं
वो निकल जाएगा फ्रेंड्स। होता फ्रेंड्स ये है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रोटीन ये सब इतना खा रहा है फ्रेंड्स, और एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्चा करें, बट फ्रेंड्स लॉस आप ही का है। आप सोचते हैं महंगा महंगा खाना खाए फ्रेंड्स, जो आप बॉडी में डाल रहे हैं वो पूरा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो फ़ायदा क्या फ्रेंड्स। 40 ग्राम डाल रहे हैं, 40 ग्राम 20 ग्राम लग रहा है और 20 ग्राम आगे से डाल रहे पीछे से निकल जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका लॉस है फ्रेंड्स। थिंक फ्रॉम हेयर एंड ऑलवेज यूज एंजाइम फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का एंजाइम बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, दीज आर द जेनेटिकली ब्लेस्ड पीपल, वो जो खाते हैं बॉडी में लग जाता है फ्रेंड्स, बट सबका ये नहीं होता है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव दिस काइंड ऑफ जेनेटिक्स। अगर आप कुछ खा रहे हैं ज़्यादा तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल शॉप में जाते हैं ये सारे मेडिसिन लेते हैं फ्रेंड्स, वो लोग बोलेंगे ये मेडिसिन तो जिनको हजम नहीं होता है या जिनको कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग होता है वो लेते हैं, बट फ्रेंड्स आप अपने आप को नॉर्मल ना समझे फ्रेंड्स, क्योंकि आप अपने बॉडी को जिम में 2 घंटा 2.5 घंटा रगड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यू नीड मच मोर एंजाइम टू डाइजेस्ट योर हार्ड कैलोरी जो डाल रहे हैं बॉडी में, प्रोटीन इतने सारे डाल रहे हैं। अगर आप एंजाइम से हेल्प नहीं करेंगे अपने बॉडी को तो फ्रेंड्स बहुत आप पीछे रह जाएगा फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा लैग बिहाइंड करते हैं और आगे नहीं जा पाते। फॉरेन जो हमारे जो कंट्री है फ्रेंड्स, वो लोग एंजाइम ये सारे चीज़ों को ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स। यू नेवर नो, ये बहुत हेल्प करता है बॉडी को। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा और जो आपका रीच करना चाहते हैं जिस लेवल को, वो आप नहीं रीच कर पाएंगे। जो ये एंजाइम का प्रोसेस है, जो एंजाइम फूड पर जो एक्ट करता है फ्रेंड्स, ये लॉक एंड की का जो एक सिस्टम है, एक खास एंजाइम एक खास फूड को ही डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे फ्रेंड्स फैट्स को लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम एक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज एंजाइम। तो फ्रेंड्स ये नहीं है कि कोई जैसे कि अमाइलेज एंजाइम आपको प्रोटीन पर डाइजेस्ट करेगा, नहीं फ्रेंड्स, वो खास एंजाइम जो प्रोटीन के लिए बना है वो प्रोटीन पर ही एक्ट करेगा। दिस आर द लॉक एंड की, एक खास ताला के लिए खास चाबी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से एंजाइम करता है फ्रेंड्स। तो ये यूनी एंजाइम फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ऐड करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा फ्रेंड्स। इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यूनी एंजाइम में पेपेन होता है, फंगल लाइटेज होता है और एक्टिवेटेड चारकोल। पेपेन आपको प्रोटीन को डाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है, जो भी आप खाते हैं वो टूटता है अमीनो एसिड में, देन आपके मसल में जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो जो फंगल कुछ होता है, फंगल अमाइलेज शायद है, वो आपके कार्ब को तोड़ता है स्टार्च वगैरह में, ग्लाइकोजन में जाके मसल में स्टोर करता है। और आपका जो चारकोल है 70% होता है फ्रेंड्स, चारकोल जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो आपके जो टॉक्सिक है आपके बॉडी में, जो फूड वगैरह और एसिडिटी से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है और आपके बॉडी से निकालता है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ऐड करें यूरिन एंजाइम को, आपको नज़र आएगा फ़ायदा फ्रेंड्स। छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप ये सब चीज़ें इग्नोर करेंगे तो आपका जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक वीडियो, कैन यू इंक्रीज योर साइज बाई एडिंग सर्टेन एंजाइम इन योर फूड। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड फ्रेंड्स टक 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 रेड बटन को दबाए बिना ना जाए फ्रेंड्स, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वीडियो देता हूँ आपको, इतना सारा नॉलेज देता हूँ। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दिस इज नया साइनिंग ऑफ।